मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से भाजपा की संध्या राय ने कांग्रेस के देवाशीष जररिया को करीब 2 लाख मतों से हराकर जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। संध्या राय भिंड से 50 साल बाद जीतने वाली महिला उम्मीदवार हैं। 1971 में ग्वालियर राजघराने की विजयराजे सिंधिया जनसंघ की टिकट पर चुनाव जीती थी। 1984 में भाजपा ने भिंड से वसुंधरा राजे सिंधिया को मैदान में उतारा था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस के कृष्ण देव जुदेव से हार गई थी। 35 साल बाद भाजपा ने संध्या राय के रूप में भिंड से किसी महिला को टिकट देने का हौसला किया था। संध्या राय ने पार्टी के विश्वास को कायम रखते हुए जीत का परचम कामयाबी से लहराया। संध्या राय मुरैना जिले की दिमानी से विधायक रही हैं। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में संध्या राय को टिकट नहीं मिल सका था। संध्या राय ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2001 में मंडी समिति के अध्यक्ष के रूप में की थी। 2011 में संध्या राय को मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वर्तमान में संध्या राय मध्य प्रदेश महिला आयोग की सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। संध्या राय को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीक समझा जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर की पैरवी के चलते ही भिंड से संध्या राय को भाजपा का टिकट मिल सका था। भिंड लोकसभा क्षेत्र में भिंड और दतिया जिले की 4-4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन भिंड लोकसभा सीट को भाजपा का अभेद किला माना जाता है। 1999 में नरसिंह राव दीक्षित ने भिंड लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डाली थी। उसके बाद से भिंड पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। भिंड से कांग्रेस की लगातार हार के लिए आपसी गुटबाजी और भीतरघात को जिम्मेदार माना जाता है। 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर भगीरथ प्रसाद भाजपा के अशोक अर्गल से चुनाव हारे थे। 2014 में डॉक्टर भगीरथ प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए और भिंड से जीत हासिल की। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने डॉक्टर भगीरथ प्रसाद का टिकट काटकर संध्या राय पर अपना दाव लगाया, जो कामयाब रहा। संध्या राय को भिंड से टिकट दिलाकर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मुरैना के मेयर अशोक अर्गल ने भी भिंड से भाजपा के टिकट पर दावा जताया था। अशोक अर्गल मुरैना और भिंड से लोकसभा के 5 चुनाव जीत चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जिला भी मुरैना है। 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना से जीता था। मतदाताओं के असंतोष के चलते 2019 के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना छोड़कर ग्वालियर चले गए थे। इसके बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना की राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी अशोक अर्गल के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। संध्या राय को टिकट दिलाकर नरेंद्र सिंह तोमर ने अटेर के विधायक अरविंद भदौरिया के प्रभाव को कम करने में भी कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की थाकुर राजनीति में अरविंद भदौरिया को नरेंद्र सिंह तोमर का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। टिकट मिलने की संभावना को देखते हुए संध्या राय काफी समय से भिंड में सक्रिय हो गई थी, लेकिन पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही संध्या राय के लिए चुनौतियां कम नहीं थी। भारी होने के साथ महिला होना भी संध्या राय के खिलाफ जा रहा था। भाजपा के अलग अलग गुटों के नेताओं को साथ लेकर चलना भी संध्या राय के लिए बड़ी समस्या थी, लेकिन अपने आकर्षक व्यक्तित्व, राजनीतिक सूझबूझ और मिलनसार स्वभाव के कारण संध्या राय भिंड की सीट भाजपा की झोली में डालने में कामयाब रही। अब संध्या राय के सामने भिंड और दतिया के मतदाताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।